राहुल जी संघर्ष करो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने मणिपुर से शुरू की और असम के करीब उन पे पथराव किया गया, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने किया, झंडे लेके वो आए और उन्होंने जबरदस्त पथराव किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे तो असम में, इसलिए हम उसका यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश में आज इवनिंग में हमने प्रोटेस्ट रखा था, श्रीनगर के इस हेडक्वार्टर पे भी हमारा प्रोटेस्ट है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काले कानून पूरे देश में चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रोंद रहे हैं, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं उसके पीछे। और राहुल गांधी जी पूरी पद यात्रा में जिस तरीके से उसको लोगों की भीड़ जुट रही है, जो रेस्पॉन्ड उसको मिला, जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिला वैसे ही मणिपुर से मुंबई तक अब मिल रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है। उनको आने वाले इलेक्शन में अपनी हार जो है वो नजर आ रही है, यही आज हमारा प्रोटेस्ट है और हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। देखिए, हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जो रिसेंटली असम में हमारे राहुल गांधी के जो यात्रा चल रही थी उस पर हमला हुआ, हमारे जो असम के पीसीसी चीफ है उन पे हमला हुआ, जयराम रमेश जी की गाड़ी तोड़ी गई वहाँ पे। हम यहाँ पे उसी के खिलाफ जो AICC का सर्कुलर, IYC का सर्कुलर निकला था कि ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट होंगे, तो उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हम यहाँ पे हेडक्वार्टर में बना रहे थे, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम लाल चौक तक अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहते थे, लेकिन जैसा आपने देखा पुलिस ने हमको अलाउ नहीं किया, तो इसी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन आई है, असम का जो बीजेपी का कार्डर है उनको फ्रस्ट्रेशन आई है, उसी के खिलाफ इन्होंने वो अपनी जो बौखलाहट है वो निकालने के लिए उन्होंने हमला किया राहुल गांधी जी। इसलिए यात्रा जो है वो ईस्ट वेस्ट मुंबई में ख़त्म हो जाएगी, वो कंटिन्यू रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं।